पुलिस हिरासत में माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या ने सभी को हैरान कर दिया था। इस मामले में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की जांच के लिए 2 एसआईटी की टीम गठित की गई थी। अब एसआईटी की टीम और न्यायिक आयोग की टीम प्रयागराज कैल्विन हॉस्पिटल पहुंची है, जहां घटना हुई थी। बता दें कि मोतीलाल नेहरू मेडिकल मंडली चिकित्सालय में माफिया अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी। इसकी जांच के लिए यहां टीमें घटनास्थल पर पहुंची हैं। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का यहां सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। आयोग के सदस्य पूर्व में बनाई गई अपनी नोटिंग पर पुलिस अधिकारियों से सवाल जवाब कर हालात और घटनाक्रम को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये लाल टी शर्ट में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं, ये वही कांस्टेबल हैं जिन्हें उस दिन गोली लगी थी। एसआईटी की टीम के मेंबर सत्येंद्र तिवारी तमाम औपचारिकताओं को पूरा करते हुए क्राइम सीन रिक्रिएट कर रहे हैं। न्यायिक आयोग की टीम के सामने पूरे घटनाक्रम को दोहराया जा रहा है। खैर, अब जल्द ही अतीक की मौत से रहस्य का पर्दा उठता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एसआईटी की टीम जांच में लगी हुई है।